मुझे नेशनल लेवल पर अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला। ये अवार्ड मुझे महिंद्रा समृद्धि नेशनल अवार्ड मिला है। लहसुन के साथ कद्दू के रिले क्रॉप के ऊपर अवार्ड मिला है मुझे। एक्चुअली खेती में 2004 से खेती कर रहा हूँ। 2004 से जो 8 तक मैं खेती को घाटे का सौदा मानता था, लेकिन जैसे 8 में मैं केवीके से जुड़ा कृषि विज्ञान केंद्र से, और फिर मैं साइंटिस्टों का इसमें आया, और फिर खेती के अंदर एक्चुअली मैंने एक लक्ष्य बनाया कि क्यों ना हम लक्ष्य बना के खेती करें, कुछ भी अपनी मंजिल बना के खेती करें। तो उसके अंदर मैंने नए प्रयोग किए, जैसे लहसुन के साथ कद्दू है, कद्दू के ये तो मुझे लहसुन के साथ कद्दू के क्रॉप के लिए मिला अवार्ड। और ख़ास करके मुझे, मैं रिले क्रॉप पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और मैंने लहसुन और कद्दू में भरा था फार्म भी। पूरे भारत के किसानों को एक साथ ला के और एक मंच पे सम्मानित करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसानों के लिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। फिर पूरी महिंद्रा कंपनी एक पूरी पारदर्शिता बरतती है इसमें किसानों के लिए, पूरी पारदर्शिता पूरी सावधानी से बरत के, और किस किसान को अवार्ड देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए उस हिसाब से सिलेक्शन करती है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है महिंद्रा कंपनी की तरफ से, और किसानों को बहुत बड़ी उपलब्धि है ये अवार्ड देना। मैं किसान भाइयों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जो आज की हमारे युवा पीढ़ी है जो खेती से उमुख होकर शहरों की ओर जा रहे हैं, वो एक्चुअली गांव में जाकर अपने खेती को लक्ष्य बना के खेती करें। एक्चुअली लक्ष्य बिना लक्ष्य के कोई भी मंजिल नहीं मिल सकती, तो लक्ष्य बना के खेती करें। लक्ष्य कुछ भी करें अपन, लक्ष्य बना के करें तो रिले क्रॉप में करें, इंटर क्रॉप में करें, वेजिटेबल में करें, तो किसान की आय कभी भी घाटे का सौदा नहीं हो सकता। तो मैं किसानों को यही कहना चाहता हूँ कि अपन को अपने पेट के साथ साथ देश की जनता का भी पेट भरना है, तो किसान भाइयों को यही दोनों चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा। अपन को मार्केट भी देख के चलना पड़ेगा और अपने स्वयं की आय भी देख के चलना पड़ेगा, तभी जाके हम दोनों का कॉम्बिनेशन मिटाएंगे, तभी जाके अपन सफल होएंगे।